आपने कभी सोचा है कि एक बड़े से पॉली हाउस में टमाटर कैसे उगाए जाते हैं? टमाटर, ये जो आप देख रहे हैं कि टमाटर की पौध ऊपर कैसे जाती है, उसकी क्या तकनीक होती है, उसके लिए क्या करना होता है, तो हम आज बात करेंगे कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर डी एस यादव साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुझे आप बताएं कि ये जो टमाटर की आपने पौध लगाई है, उसके बाद पेड़ लग रहे हैं, ये कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। सामान्य रूप से टमाटर की तीन तरह की वैरायटी होती हैं, डिटर्मिनेंट, सेमी डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। जो पॉली हाउस के अंतर्गत जो टमाटर उत्पादित किया जाता है, वो इनडिटर्मिनेंट वैरायटी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि ये हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जो टमाटर बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक, उनका हम चयन करते हैं। तो यहाँ पर टमाटर को हमने जमीन के लगाया, सीधा जमीन के ऊपर मैंने लगाया है, और मल्च, ये 25 माइक्रोन की मल्च है, इसको मैंने बिछाया है, और रो से रो की दूरी इसमें 2 फीट रखी है, और प्लांट दूरी है वो 45 सेंटीमीटर। जो टमाटर का पौधा है लगभग अभी 6 फीट से लेके 8 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच गया है, और जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप करते हैं वो हर साल उसमें चेंजिंग करते हैं। इस वर्ष हमने सिंगल ब्रांच टेक्नोलॉजी को लिया है। आप देखेंगे पौधा नीचे से और लगभग 6 फीट की ऊंचाई है, अभी तक कोई दूसरी ब्रांच इसमें जनरेट नहीं होने दी है, और समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते हैं। आप देखते हैं कि बंच में फूटिंग सेटिंग होने लगी है, और जब फसल ये लगभग 90 दिन की हो जाएगी तो ये नीचे के फल हैं वो लाल कलर के होके पक जाएंगे। दूसरा, इसमें पॉली हाउस में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें रोग कीट की बड़ी कम समस्या रहती है। अभी आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई इसमें सकिंग इंसेक्ट या कोई भी इसमें फंगस नहीं है, ना कोई पत्ती पे स्पॉट्स है। तो ये जो टमाटर का पौधा मैं देख रहा हूँ 5 फीट का है, हाँ, अमूमन क्या किसान का जो खुले में पौधा होता है वो भी इतना ही, हाँ, ऐसा है कि जो हमने पहले आपको बताया, टमाटर की जो प्रजातियां वो अलग अलग है। ये प्रजाति इनडिटर्मिनेंट है, ये लगभग 15 फीट ऊपर, अभी ये तो 5-6 फीट है, अभी कम से कम ये 5-10 फीट अभी और जाएगा। हम इसकी 2 बार बेंडिंग करते हैं, जब ये इस तार से ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे का फल पक जाएगा, उस समय इसको हटा के दोबारा इसको लिटा देते हैं, फिर इसको बढ़ने देते हैं। ये हमारी फसल अप्रैल मई तक जाएगी। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हाँ, ये पौधा बढ़ गया है। उसके बाद जब इसके सभी फल को जब तोड़ लेंगे, तो पौधे को एक बार, इसको आप देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से झुका देंगे, ये साइड में इसकी बाइंडिंग ऐसे कर देंगे, जब तो पौधे की जो हाइट है 6 फीट की जगह भी ये 4 फीट बचेगी, 3 फीट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नीचे से फल पकते रहते हैं, और हाँ बढ़ता रहेगा, और जब नीचे के फल सभी हम तोड़ लेंगे, तो पौधे को एक बार हम वहां से खोल लेंगे, और खोल के पुनः हम जमीन में उसे, इसकी जो मेन तना है उसको बेंड कर देंगे। इसमें जो फल आते हैं, हाँ, वो जो बाहर है जो कवर्ड नहीं होता है, जी, किस तरह से अलग होते हैं, क्या इस नहीं, इसमें देखिए मात्रा उत्पादन भी लगभग डबल आता है। दूसरा है, आप देखें कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी आती, बाजार में आप जाएंगे साइनिंग देखेंगे और मतलब ग्रेफ देखेंगे उसका। एक बार इसमें ये शुरू करके ये पूरा पॉली हाउस बना दिया जाए, एक बार निवेश कर दे किसान, तो कितने साल तक इसको, ये मतलब देखिए स्ट्रक्चर तो 20-25 साल का है, लेकिन इसमें जो टेम्परेरी जो और चीजें हैं, जैसे पॉलीथेन है, नेट है, ये सिल्वर नेट है, ये लगभग 6-7 साल चलता है, क्योंकि यूवी लाइट स्ट्राइक होता है, तो ये 6-7 साल में सूर्य की रोशनी से रिएक्शन करके पॉलीथेन कमजोर पड़ जाती है, फिर चटकने लगती है, तो 7 साल बाद आपको ये पॉलीथेन चेंज करनी पड़ती। तो बाकी स्ट्रक्चर आप साल तक किसान इसमें अच्छे से खेती कर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। 1000 स्क्वायर फीट का पॉली हाउस लगाना है, हाँ, तो किसान का कितना खर्चा? देखिए सीधा सा सिद्धांत है कि 1 वर्ग मीटर पर 1000 का खर्चा है,
अगर 1,000 का है तो ये 10 से 11 लाख रुपए के बीच में खर्चा आएगा, और फसल उत्पादन का अलग खर्चा रहता है, वो आप कौन सी फसल टमाटर बैंगन मिर्च शिमला मिर्च क्या उत्पादन कर रहे हैं, खीरा कर रहे हैं, उसका अलग रहता है। जहाँ तक कि एक इतने एरिया में है, करीब 1,000 वर्ग मीटर है, लगभग कम से कम 100 कुंटल टमाटर इसमें पैदा होगा। पॉली हाउस का है उपयोग है, एक तो फसल जैसे सामान्य रूप से टमाटर 6 महीने चलता है, पॉली हाउस में 9 महीने चलता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रोथ लगातार रहेगी, फ्रूटिंग लगातार होती रहेगी, लेकिन खुले में जब प्राकृतिक वातावरण बदलता है तो पौधा खत्म हो जाता है, उत्पादन समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज ये कि हर पौधे से उत्पादन सुनिश्चित है। किसान साथियों को ये बताना था कि ये पॉलिनेशन क्या चीज होती है। देखिए पॉलिनेशन, हाँ देखिए, कोई भी जो फल जो बनता है वो बीज जब बनता है तो मेल फीमेल के अंग उसमें परागण होता है, तो ये फिर फल विकसित होता है। अब चूंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, अपने आप पॉलिनेशन होता है, लेकिन घर का ये पॉली हाउस बंद है तो इसमें हवा का प्रवेश उतना नहीं होता है, पौधे का हिलना डुलना नहीं रहता है। प्राकृतिक वातावरण में पौधा हवा से हिला है, कीट पतंगे आते हैं, तो ये फल जो है बनने के लिए जो फूल है इसमें आप देख रहे हैं कि ये नर है और ये मादा है, तो इसका पोलन इसके ऊपर जब टच करेगा तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि फल की जो सेटिंग हो गई है, ये देखिए जरा सा ओवरी में फल, ये देखिए फल सेट हो गया है, ये देखिए। तो इसको करते क्या है? तो सिंपली हम लोग सुबह पॉलिनेशन का जो समय है वो सुबह 8 से लेकर 10 बजे, तो सिंपली इस तरह से पौधे को टच कर देते हैं और ये पॉलिनेशन हो जाता है, एक दूसरे से संपर्क, बस हाँ ऐसे थोड़ा टच कर दिया, पौधे को हिला दिया। अच्छा। तो ये मतलब इतने से ही जो फल में पोलिन लगा है फूल में, तो वो इसके जो मादा ओवरी है उससे टच कर जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपने देखा कि पॉली हाउस में कैसे टमाटर की खेती की जाती है, एक एक टमाटर के पौधे में आप देखिए कि एक तरीके से हर इसके जो बड्स में टमाटर है कैसे संरक्षित खेती की जाती है, जो बेमौसम बारिश या गर्मी की से इसे बचाया जा सकता है। अभी डॉक्टर साहब से हम सुन रहे थे कि वो कैसे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और किसान एक पॉली हाउस लगा के एक लंबे समय तक अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो ये थी आज की हाईटेक फार्मिंग, ये है आज की हाईटेक फार्मिंग जिसे किसान अपना के अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाली जो समस्याएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, जो बाहर के जानवरों की समस्याएं हैं, उनसे भी बचाव कर सकते हैं।